एसीबी जाके मिलके मेरा कंप्लेंट किया, स्टिंग ऑपरेशन एसीबी वाले प्लान किए, ट्रैप हुआ और कमिश्नर को आज अरेस्ट, कल रात में अरेस्ट किए, साथ ही साथ चलना पड़ा। नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं जी मीडिया। गुज़िश्ता रोज रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार कमिश्नर सिटी कॉर्पोरेशन गुलबर्गा डॉक्टर शंकर वनक्याल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। शिकायत करने वाले शरण बसप्पा वल श्रीमंतप्पा अम्बे सिंह ने बताया कि इन्होंने गुज़िश्ता जून 2021 में कोविड के दौरान सुरक्षा चक्र हेल्पलाइन ऐप की खिदमात दिए हैं। इस वक्त के डिप्टी कमिश्नर वी जोत्सना ने और कमिश्नर सिटी कॉर्पोरेशन स्नेहल सुधाकर लोखंडे के हाथों इस हेल्पलाइन का इनॉग्रेशन हुआ था और 5 माह तक ये काम चलता रहा। इसके बाद कोविड हेल्प डेस्क का भी काम दिया गया। इस तरह कोविड के दौरान किए गए कामों के कुछ बिल अदा किए गए और अभी तकरीबन बिल बाकी हैं। इसके लिए मुझे कई दिनों से सताया जा रहा है और परसेंटेज का डिमांड करने पर मैंने एसीबी में शिकायत करके स्टिंग ऑपरेशन किया और कमिश्नर सिटी कॉर्पोरेशन को गिरफ्तार करा चुका हूँ। लिहाजा मुझे अगर कुछ होता है तो मैं कमिश्नर सिटी कॉर्पोरेशन और मुंतखबा नुमाइंदों को जिम्मेदार ठहराता हूँ, क्योंकि मैं मुसलसल बीजेपी की बदनुमानियों को मंजर आम पर ला रहा हूँ। इसलिए मुझे खतरे का खौफ है और मेरे घर वालों को भी अगर कुछ होता है तो मैं मस्कूर अफराद के को जिम्मेदार ठहराऊंगा। देखते रहिए जी मीडिया गुलबर्गा। सबको मेरा नमस्कार। कल रात में महानगर पालिका के कमिश्नर शंकरप्पा वणिक्याल के ऊपर एसीबी रेड हुआ, उसमें अकाउंटेंट चन्नापा को स्पॉट पे गिरफ्तार किए और मेरा एक टेंडर लिया था मैं कोविड सुरक्षा चक्र बोल के लास्ट ईयर, वो बिल अभी तक नहीं दिए थे। 6 महीने का काम किए, सो बिल अब तक नहीं दिए उन्होंने। क्या बोलने वाले, सिर्फ रिश्वत रिश्वत रिश्वत। एक सेक्शन इंजीनियर पकड़ के EEE सीनियर इंजीनियर और DB क्लर्क और अकाउंट ऑफिसर कमिश्नर सब का परसेंटेज 1-2% मिला के कुल 10% हो रहा था। और कहाँ तक ये लोग बेशरम है बोले तो सीधा साधा बोल रहे 2%। चन्नप्पा बोले मेरे को नहीं, मेरे कमिश्नर को देना है, डेली कितना भी फाइल्स आता वो कलेक्ट करके मैं उनको देना तब भी साइन होता बोल के। मैं लास्ट 10 महीने से घूम रहा हूँ, डेली सुबह शाम नमस्ते करके सब कुछ किया, 1 रुपये बिल नहीं दिए। मैं बहुत परेशान हो के आज क्या किया, कल 11 बजे सुबह ACB सर को मिल, ACB एंटी करप्शन ब्यूरो SP सर को मिला, मिल के मेरा कंप्लेंट दिया, वो कंप्लेंट दिया और ऑडियो भी दिया। उन्होंने क्या बोलते करप्शन ब्राइब डिमांड किया, सो वो लेके उन्होंने FIR किए, ये मिला इसे दिए मेरे जेब में रखे। मैं जाने के बाद चन्नप्पा पैसे पूछने के बाद वो लिए गिन के जेब में रख लिया। रख लेने के बाद 2-व्हीलर में पुलिस लोग आके ACB वाले आके हाथ पकड़े रंगे हाथ और उनके टीम पूरा IO इंस्पेक्टर सर DYSP सर आके गिरफ्तार किए उनको, लेके जाके वो हाथ केमिकल में धोए, वो कलर चेंज होता पकड़े नोट बोले तो जेब में रख लिए सो भी वो जेब भी धोए पूरा कलर आया, पैसे लिए सो केमिकल मिला ऐसे। वो होने के बाद उन्होंने बोले साहब ये मैं तो पैसा लिया हूँ मेरे लिए नहीं, मेरा कमिश्नर के लिए, सब फाइल पे मैं लेता हूँ उनको जाके देता हूँ बोल के स्टेटमेंट दिए। अब क्या करना वो लोग, हाँ कमिश्नर को फ़ोन करो बोल के बोले। फ़ोन करने के बाद कॉल रिकॉर्डिंग हुआ, क्या बोले तो कमिश्नर बोले शरण IT का ये 14,500 आया सर, फाइल साइन करना है, ठीक है पैसा लेके आओ घर पे बोल के बोले। वो फ़ोन रिकॉर्डिंग के बेसिस पे उनका वीडियो स्टेटमेंट कन्फर्मेशन के हिसाब से कमिश्नर सर को 9:30 बजे रात में अरेस्ट कर दिए। अरेस्ट करके दोनों को कस्टडी में ACP वाले लिए सो है। आज आम आदमी पार्टी का जीत है, शरण IT का जीत है। ये जीत करप्शन अगेनेस्ट, क्या इंडिया लेवल में हमारा रेवोल्यूशन चल रहा और अपोज चल रहा, वो एक ताज़ा उदाहरण है कि गुलबर्गा में एक बड़ा ऑफिसर के सीनियर ग्रेड ऑफिसर को भी हम नहीं छोड़े, आप किसी को भी नहीं छोड़ते, चाहे कौन भी ऑफिसर रहें दो, IAS KAS और KPSC कौन भी रहें दो, हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव MLA MP CEO मिनिस्टर किसी को भी छोड़ने वाले नहीं है। आज क्या 2-3 महीने से हो रहा था 40% कमीशन धंधा कर रहे बीजेपी वाले बोल के, वो 10% तो हम पकड़े कल,
EEE सबका कमिश्नर SC सबका पकड़े सो है, ताज़ा उदाहरण है। इसके ऊपर आप सोचिए कि क्या करना है करप्ट लोगों को, करप्ट लोगों को कैसे सबक सिखाना बोल के। ये हिम्मत मेरा नहीं, ये आपका हिम्मत है, आप सभी मेरा साथ है बोल के हिम्मत जताए सो है। आगे दिनों वाले में भी सब हमारा साथ रहिए, हम आपके साथ रहेंगे। ये करप्शन के ऊपर, सिस्टम के ऊपर फाइट करेंगे, एक अच्छा सोसाइटी बनाने में हमारा कंट्रीब्यूशन देंगे बोल के इतना मैं बोल के गुजारिश करता हूँ। थैंक यू। हाँ, कर्नाटक लेवल गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में लेवल बड़ा अधिकारी को भ्रष्ट अधिकारी पकड़ने में मैं कंप्लेंटदार हूँ और कंप्लेंट दिया। फ्यूचर डेज में मेरे को, मेरे फैमिली को, किसी को भी कुछ भी हुआ तो ये कॉरपोरेशन कमिश्नर, कॉरपोरेशन के ऑफिसर्स और हमारे MP MLA लोग मैं ब्लेम करना बोले तो उनको कारण बताना चाहता हूँ। क्यों बोले तो अभी भी मेरे MP MLA लोग का भी डराव है, मेरा ऊपर प्रेशर है। हाँ, क्यों बोले तो मैं BJP भ्रष्टाचार के ऊपर कंटिन्यूस सीरियल काम जारी है, पकड़ रहा हूँ और एलिगेशन चल रहा विथ प्रूफ, बहुत कुछ काम कर रहे हैं ना वो लोग, हमारा ऊपर प्रेशराइज कर रहे और धमका रहे। मैं आज हम कमिश्नर सर को जाके मिलने वाले हैं, IGP सर को जाके मिलने वाले हैं कि हमारे को प्रोटेक्शन दे और मैं हमारे को और हमारा फैमिली को भी कुछ भी हुआ तो गुलबर्गा के MLAs MPs और कॉरपोरेशन कमिश्नर ऑफिसर लोग को इन्वेस्टिगेशन करना फ्यूचर में बोल के अभी मैं बयान देता हूँ। थैंक यू।